तो भाई लोग क्या हाल चाल है, होप सब बढ़िया। तो भाई लोग आ चुके एक न्यू गेम प्ले के साथ वापस। अब कल वाले वीडियो के नीचे किसी ने मेरे को कमेंट किया था कि भाई तू लोगों की चूतिया काट रहा है, तू वीपीएन लगा के खेल रहा है। भाई मैंने वीडियो पे बताया था कि भाई मैं वीपीएन लगा के खेल रहा हूँ, क्योंकि देखो पबजी मोबाइल जो की आर वर्जन है वो मेरी मोबाइल पर चल तो रहा है लेकिन काफ़ी ज़्यादा लैग कर रहा है, थर कांप रहा है फ़ोन। गाइस मैं नहीं कर पा रहा उससे, और एक आध मैच खेलने के बाद ना वो फ़ोन काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाती है। तुम भी खेलना चाहती हो, तुम्हारे फ़ोन पे मेरे जैसा हालत है, तो भाई यो पर वीपीएन लगा के खेल सकते हो, जिसकी डाउनलोड लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे दे रखी है। इजीली कनेक्ट हो जाएगी एक मोड एप्लीकेशन और बहुत ही ईजिली तुम गेम खेल सकते हो। वैसे भी गेम बहुत ही जो है फास्ट आने वाला है, तो तुम अभी खेलने से कोई दिक्कत नहीं आएगी। देश में बहुत बड़े बड़े क्राफ्ट हो रहा है, हम उससे कुछ गुनाह नहीं कर रहे, इसी से किसी के नुकसान नहीं हो रहा है। हाँ हो रहा है तो खुद की नुकसान हो रहा है, बाकी देखो बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ मैं YouTube की, और तुम्हें पता है भाई मेरी जो हालत है ना वो मैं किसी को बताता नहीं, लेकिन जितने भी नीचे की बदतर होती है उससे भी ज़्यादा बदतर है मेरी ज़िंदगी, वो मैं कहना ना चाहता हूँ। और मैं अपनी मेहनत से कुछ करना चाहता हूँ, सो त्यास पर मैं बर्थडे वीडियो बनाता हूँ। फिलहाल ये गेम प्ले देखो। अब मैं आया था भाई यहाँ पे, जो बंदा मेरे को यहाँ पे मिलता है सबसे पहले तो यहाँ पे खाली कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। और इस बंदे को ना मैंने दिख ही नहीं पाया था, उसकी जो हेलमेट था उसकी वजह से मैं उस बंदे को स्पॉट कर पाया, लेकिन इसकी जो ड्रेस था वो ब्लैक था, सो दैट्स व्हाई नहीं स्पॉट होता है। फिलहाल यहाँ पे एक स्कॉट आया था जिसको मैं यहाँ पे लूट का देता हूँ, और एक आध बंदा यहाँ पे भी हो सकता था, तो दैट्स व्हाई भी थोड़ा बहुत यहाँ पर लूट वूट कर लेते, और यहाँ से हमको निकलना था भैया। अब देखो मैं आता हूँ यहाँ पर बगी लेके यहाँ से जाने के लिए, तभी मेरे को सामने एक बंदा स्पॉट होता है, मतलब हल्का सा ऐसे लगा, मैं श्योर नहीं था, तो मैं देखने के लिए आता हूँ, लेकिन यहाँ पे गाइस एक बंदा होता है जो सामने वाले घर पे होता है, तो सबसे पहले तो इसको मारते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। अब बात करते हैं पबजी मोबाइल के वापस आने की, तो देखो कुछ ऐसे न्यूज़ आ रहा था, और मैक्स टर्न को तो उन्होंने पता ही होगी, और गुरुजी भी टेक्निकल गुरुजी भी वीडियो बनाया था कि भाई पबजी मोबाइल जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ वापस आ रहा है बहुत ही जल्द ही, वो भी दिवाली के अंदर, लेकिन पबजी मोबाइल लाइट की किसी ने बात नहीं की। सो होप पबजी मोबाइल के साथ साथ पबजी मोबाइल लाइट भी वापस आ जाए। फिलहाल यहाँ पे एक स्क्वाड था जो भाई बहुत ही बुरी तरह फंसा था, क्योंकि सामने उस पार से किसी ने भाई यहाँ पे आरपीजी चला रहा था और इस टीम के एक बंदे को नॉक कर चुका था, और इस बीच मैं आके इन लोगों के ऊपर रश कर देता और बहुत ही गंदे वाला स्क्वाड की ठुना लगाने लगा यहाँ पे, और गैस इसी के साथ इन दोनों को भी डब्बा यहाँ पे बना जाता। वैसे एक बंदा इसके ऑलरेडी नॉक था जो सामने वाली टीम ने आरपीजी से मार दिया। अब यहाँ पे एक बंदा अभी भी एक बॉट को या एक मार दिया यहाँ पे, तो उसी को मारने के लिए मैं वेट करता हूँ। अब देखो मेरी यूएमपी की एमओ ख़त्म हो गई चुकी थी, लेकिन यहाँ पर मेरे पास था M4 जिससे कि इस बंदे को मैं यहाँ पर लुढ़का देता हूँ। अब सबसे पहले तो देखो यहाँ पर लास्ट और कितने बंदा बचे, भाई एक स्क्वाड है और एक स्कॉटी एक बंदा है और मैं हूँ, टोटल छः बंदा बचे। सबसे पहले तो मैंने सोचा इस बंदे को यहाँ पर लुटपुट कर लेते हैं। अब तुम यहाँ पर पिन देख सकते हो, मेरी 400 की पिन आ रहा है, और डैश पर यहाँ पर दरवाजा जो वो खुद नहीं हो रहा था, और पीछे से वो बंदा मेरे को मार देता है यहाँ पर। सो पिन की वजह से भाई ठुल जाता हूँ मैं ये वाली गेम प्ले। बस फिलहाल नेक्स्ट गेम प्ले आते हैं, और ये वाली गेम प्ले में सिर्फ एक स्क्वाड के साथ लग जाता है भाई, तुम्हें पता होगा इसकी क्लिच, तो आ जाता हूँ मैं ये ड्रॉप लूटने के लिए। तभी मेरे को घर के अंदर से मेरे को फोटो स्टेप आ रहा था, और ऐसा तो घर के अंदर तो कोई ना कोई बंदा कैम करके बैठा है, ड्रॉप पे ऊपर जो है नज़र गार के बैठा है। सबसे पहले तो इसको मारने की कोशिश करता हूँ। अब देखो मैं ये यहाँ पे पिन हाई आ रहा था, तो मैंने अपनी टीम मेट को आगे जाने के दिया, लेकिन वो तो नीचे ही गया। तो फाइनली इस बंदे को ठुलाने के बाद मैं आ जाती हूँ ये वाली ड्रॉप लूटने में। अब ड्रॉप मैंने यहाँ पे लूट लिया था,
तो सबसे पहले सोचा कि मैं गाड़ी लेके यहाँ से अपनी टीममेट के पास चलते, तो ये थर्ड हिल पे एक स्क्वाड था जो वहाँ से मेरे को स्प्रे दे थी यहाँ पे काफ़ी गंदे वाला। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कवर पे जाता हूँ और भाई उस बंदे से मैं हड़बड़ी से उसकी ड्रेस भी उठा लेके आया था, यहाँ पे हिल किया। उसके बाद मैं ये वाली पेड़ पर आता हूँ और इस टीम के एक बंदा भाई नदी पार के आने की कोशिश कर रहा था। सबसे पहले तो इसको ठुड़ाने की कोशिश करते हैं और इसको ठुड़ाने की कोशिश करने के बाद गाइस मैं धीरे धीरे जो है रश कर देता हूँ ये वाली टीम के ऊपर। वैसे भी मेरी पिन इतना 400 है ये मेरे को पता नहीं था, सो फिर भी मैं आ जाता हूँ ये वाली जगह पर। तो मेरे को सामने एक बंदा स्पॉट होता है भागते हुए, इसको भी मैंने यहाँ पे ठुला देता हूँ। अब नीचे देखो ये वाली घर के पीछे एक गाड़ी खड़ी थी और यहाँ पे दो बंदा था जो यहाँ से जाने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ से मैं एक बंदे को नॉक करने की ट्राई कर रहा था, यहाँ पे इसको एंगल तो मिल रहा था लेकिन बंदा नॉक नहीं होता। तभी देखो तो खिड़की के इसकी जो एक बंदा देखने की कोशिश कर रहा था अपने माथा बाहर करके, तो सबसे पहले तो इसको नॉक करने की ट्राई करते हैं। देख रहा हूँ यहाँ पे हल्का सा ग्लिच हो रहा है, मतलब गेम जो है वो रुक सा जा रहा है। ये बहुत ही जल्द भाई वापस आना चाहिए। अब देखो मेरे पास एक नेट था और मैं सीधा आप कर देता हूँ क्योंकि वो बंदा ऑलरेडी यहाँ पे हिल हो मतलब रिवाइव हो चुका था, इसको मिल चुका था रिवाइव। तो नेट किया और जो बंदा नॉक हुआ था ना रिवाइव मिल चुका था वो बंदा फिर से नॉक हो जाता है, तो मैं फौरन इसके ऊपर रश कर देता हूँ और देखो कैसे ठुलाते हैं। और गाइस बहुत ही इजीली इन दोनों को भी मैं बजा देता हूँ यहाँ पे। अब देखो लूटपुट करके मैं आ जाता हूँ अपनी टीममेट के पास थर्ड हिल पे। सबसे पहले तो ये टावर देख लेते क्योंकि वहाँ पे अगर बंदे नहीं है तो भाई मैं ये वाली घर पे सेव हूँ। तभी मेरे को सामने ये बंदा स्पॉट होता है। लेकिन बंदे ने मारने की कोई मौका नहीं दिया। तब इसके और एक टीममेट मेरे को यहाँ पे स्पॉट होता है किले से उसमें, जिसको मैं मारने की ट्राई करता हूँ लेकिन मेरी टीममेट उसको नॉक कर देता है। अब तुम देखो तो रोड के ऊपर से एक बगी आ रहा था और देखो यहाँ पे किल चोरी कैसे कहते हैं। इस बंदे को मैंने इतना सारा डैमेज कर देता हूँ लेकिन मेरी टीममेट यहाँ पे मेरी किल चोरी करके लेके जाता है। भाई क्या ही कर सकते हैं, देखो पिन इतना आ रहा है तो मैंने सोचा चलो स्कोर वर्सेस स्कोर कर लेता हूँ, काश मेरी टीममेट मेरी मदद कर देंगे, लेकिन भाई ये लोग तो मेरी किल ही खा रहा है यहाँ पे। फिलहाल देखो यहाँ पे कितना अभी भी तीन बंदे बचे थे जिससे मेरी एक टीममेट तो यहाँ पे नॉक था। मैंने सोचा है ये वाले घर के अंदर एक नेट कर देता क्योंकि बंदे यहाँ पे घुसते हुए मैंने देखा था, लेकिन पिन की जो नेट की जो एरो है ना वो दिख नहीं रहा था। तो मैंने यहाँ पे ओ भाई कितनी गलत मारा है बंदे ने। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लेट जाता हूँ और भाग के अपनी डीपी जो है ना भाई रीलोड होने में इतना टाइम लगाता है, लेकिन इसकी जो डैमेज है ना बहुत ही खतरनाक वाला डैमेज है भाई। सबसे पहले तो अपनी हेल्थ ठीक कर लेता और वो जो बंदा नॉक था ना उसको मैंने जाने देता हूँ भाई। सबसे पहले तो अपनी जान बचा लेता क्योंकि मेरे को अपनी रोजी रोटी बनाना है, वैसे बन तो नहीं रहा है भाई, भूखी रहना पड़ रहा है दिन भर जो भी कह लो। तो अब ऊपर आके मेरे को सामने एक बंदा ऐसा मुझे लगा कि वो वाले घर पे अभी भी बंदे हैं, लेकिन यहाँ पे धड़ाधड़ में टीममेट नॉक करते जा रहा था। कहते पिन होने की नतीर में यहाँ पे जाने से काफ़ी ज़्यादा डर रहा था, तो मैंने सोचा ये वाले घर पे एक नेट कर देते। तो बाहर एक बंदा स्पॉट होता है मेरे को जो मेरी टीममेट नेट उड़ा देते और भाई हमें चिकन लेना मिल जाता है, लेकिन तुम्हारे भाई की किल हमेशा ज़्यादा थी रहेगी और होगी। सो यही था गेम प्ले गाइस, होप तुम लोगों को बढ़िया लगा हो। और भाई समझो बात ठीक है, ऐसे वैसे कमेंट मत करो यार, बुरा लगता है। वैसे चैनल नहीं चल रहा, काफ़ी सालों से मेहनत कर रहा हूँ, कुछ कर लो लेकिन भाई हर दिन भूखा ही सुना पड़ रहा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइस।